العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک جگہ جمع ہو کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق دی. اور اللہ رب العالمین کا ایک احسان یہ بھی ہے، بہت سے احساناتوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اذان سے پہلے مسجد پہنچنے کی توفیق دی. الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، اللہ نے انسانوں کو بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے،
अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस दुनिया को बनाया। इस दुनिया को देखें, ये आसमान, ये ज़मीन, ये चरिंद परिंद, ये दरख्ते, तमाम चीज़ें, ये जो दुनिया में जो कुछ हमारी आँखों के सामने नज़र आता है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया और हम भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और मैंने इंसानों और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में कहा, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, उसी ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। इन दो आयात के जरिए दुनिया में आने के मकासद में से दो अहम मकसद मालूम होते हैं। पहला मकसद, हमको अल्लाह ही की इबाद करने के लिए पैदा किया गया है और हमें चाहिए कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें, उसके अहकामात की पैरवी करें, उसकी बात मानें, उसकी इताअत करें। दूसरी बात, दुनिया में हमें बतौर आजमाइश भेजा गया है। हमारे सामने दो तरह के रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। दो रास्ते हमें बतला दिए गए हैं। अब हमारी आजमाइश ये है कि हम बुरे रास्ते को छोड़कर, बुराइयों से दूर होकर, उससे इज्तनाब करते हुए अच्छे रास्ते को अपनाएं, अच्छे काम करें, इसका बदला अच्छा अंजाम है, भला अंजाम है। वैसे तो एक आदमी बुरे रास्ते को भी इख्तियार कर सकता है लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसका बदला अच्छा नहीं है। इंसान की जिंदगी को अगर देखें, उसका जायजा लें, तो बहुत सी चीजें मालूम होती हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, अल्लाह ताला पैदा करता है, पैदा होता है, तो पहले सबसे पहला जो मरहला आता है पैदाइश के बाद, बचपन। उससे पहले देखें, जब पैदा हो गए 7 दिन हो गए, अकीका और नाम, ये तमाम चीज़ें होने के बाद उसका बचपन सबसे पहले आता है। हर इंसान की हालत वैसी है, मेरी हालत हो या आप लोगों में से किसी की, हर किसी की जिंदगी इसी तरह शुरुआत होती है। जिंदगी की बचपन आता है, फिर बात बोलना शुरू करता है वो, जिस तरह की उसकी उम्र हो जाती है, फिर स्कूल जाना शुरू कर देता है, स्कूल जाता है, तालीम हासिल करता है। जो जो ज़रूरियात उस बच्चे को होती है उसके वालिदैन लाकर देते हैं। उसके बाद जवानी आती है। बात को गौर से सुने, हर किसी की जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। जवानी आती है, एक तालीम हासिल करने के बाद और आला तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे जगह जाता है, बड़ी सी यूनिवर्सिटी में, जामियात में दाखिला लेता है, वहाँ जाकर पढ़ता है। फिर जब उसकी तालीमी सिलसिला जब उसका ख़त्म हो जाता है, फिर वो निकल कर जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में निकल जाता है। जब उसको कोई काम मिल जाता है, तब वालिदैन देखते हैं उसको कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसकी निकाह करवा दिया जाए। उसकी निकाह होता है, फिर उसके बाद बच्चे, फिर वो आदमी सोचना शुरू करता है कि अब मेरी बीवी बच्चे हैं, अब कुछ मुझे करना है,
मेरे बच्चों की फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ मुझे करना है, उनके लिए घर बनाना है, उनके लिए कोई अच्छी चीज करना है। अब मेरे पास बाइक थी, अब बच्चे हैं, दो चार बच्चे हैं, अब बाइक काफी नहीं है, कार लेना है। एक कार है, फैमिली बड़ी है, एक कार काफी नहीं है, और एक कार लेना है। घर छोटा हो रहा है, थोड़ा और एक दो बेडरूम बनाना है। ये तमाम इंसान सोचता है। फिर उसके बाद एक उम्र होती है, ये तमाम चीजें करते रहता है। फिर उसे एक दिन एहसास होता है कि बच्चों के तालीम के अखराजात, घर के जरूरियात, जितनी मेरी यहां पर कमाई हो रही है इतना काफी नहीं है। फिर वो मुल्क से बाहर चले जाता है, वहां जाकर मेहनत मजदूरी करता है। फिर उसके बाद एक उम्र हो जाती है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वापस आता है, जब उसके बच्चे कामकाज करना शुरू कर देते हैं। हर किसी का हाल इसी तरह है। एक उम्र हो जाती है जब वो चार पाए पर बैठना शुरू करता है। बच्चे कहते हैं अब्बू आप बैठें, आप आराम करें, हम काम करेंगे। उसके बाद एक उम्र आती है जब जो चीजें जो हाथों को हिला हिला कर लेना शुरू करता है वो वक्त आ जाता है, कमजोर हो जाता है। अपने हाथों से जिन चीजों को उठाता था वो उठा नहीं सकता, जिन चीजों को आसानी से देख सकता था वो देख नहीं सकता उस वक्त, जिस तरह आराम से वो बात कर सकता था वो बात नहीं कर सकता उस वक्त, जो लोग उससे बात करते थे जिंदगी भर उस वक्त उस बुढ़ापे में वो लोग उससे बात नहीं करेंगे, उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। बीवी हो बच्चे हो, ये उम्र भी एक आएगी। फिर जब मौत का वक्त जब करीब आएगा, जब आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, जिस्म में कमजोरी पैदा हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, तो उस आदमी को उसकी औलाद घर वाले हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर से कहेंगे देखो इलाज करो इनका। डॉक्टर क्या कहेगा, नहीं अब हो गए, उम्र हो गई इनकी, अब कुछ नहीं कर सकते, अब लेकर जाएं आप इसको, आप लेकर जाएं इसको, उम्र हो गई इसकी, अब कुछ नहीं कर सकते। नहीं आप डॉक्टर है, कुछ ना कुछ करें। नहीं, बीमारी की दवाई है, मौत की दवाई नहीं है। उम्र खत्म होने के बाद जवान होने की दवाई नहीं है। जिंदगी खत्म होने वाली है, फिर दोबारा पैदा करने की दवाई नहीं है। ये वक्त आएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब कह देंगे चलो वापस चलो, आप जाकर अभी कुछ दिन बाकी है इनके, खिलाओ पिलाओ अच्छे से रखो इनको, फिर लेकर आएंगे। फिर घर के लोग अपने रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, फोन करेंगे, बोलेंगे ऐसे ऐसे अब्बू की हालत ऐसी है, तो कहने वाला कोई समझदार आदमी आकर कहेगा नहीं अभी आपके अब्बू की जो उम्र है बहुत बहुत खत्म हो गई, यानी बहुत कमजोर हो चुके हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, अपने रिश्तेदारों को बुलवा लो, बात कर लो, उन्हें खबर दे दो। फिर बच्चे तमाम घर के अफराद कॉल करना शुरू करते हैं, अब्बू की तबीयत खराब है, ऐसी हालत है, तमाम खबर देना शुरू करते हैं। घर के अड़ोस पड़ोस के लोग आकर देखना शुरू करते हैं, देखते हैं हर किसी की हालत है, देखते हैं घर के बच्चे बेटे बेटियां दामाद बहू तमाम लोग देखते हैं क्या होगा। अब फिर अगर उसके जैसी उसके जिस्म से रूह निकल गई, फिर कॉल करते हैं बच्चे अब्बू का इंतकाल हो गया, चाचा को कॉल करेंगे, ताया को कॉल करेंगे, घर के रिश्तेदारों को कॉल करेंगे। फिर रिश्तेदार आएंगे, आकर आपको देखेंगे, वो लोग भी आएंगे जो आपको देखना पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी आएंगे जब तक आपकी जिस्म में रूह थी उस वक्त तक आप लोगों को वो नहीं देखते थे, वो सलाम तक नहीं किए, वो लोग भी आएंगे। फिर पूछेंगे कब तदफीन है, फिर एक बेटा जाएगा गसाल को यानी जो नहलाने वाला उसको लाने के लिए, दूसरे लोग जाएंगे कब्र की तैयारी करने के लिए, कब्र खोदने के लिए, और एक लोग जाएंगे कफन लाने के लिए, इस तरह से हाल होगा। मौत आनी ही है। फिर उसके बाद जैसे ही तमाम चीजें हो गई,
इंतकाल हो गया, गुसल, कफन, नमाज, दफन, चार चीज़ें हो गई। दफन करके आई है, आई है घर में, घर पहुंचे थे, घर ही पहुंच चुके हैं, उसके बाद शुरू होता है अड़ोस पड़ोस के लोग घर जाते हैं अपने अपने घर। जो दूर दराज से जो लोग आए थे रिश्तेदारों में से, वो लोग अपने वापसी होना शुरू होते हैं। कुछ दिन के बाद, दो दिन तीन दिन, वालिदैन को, वालिद साहब को याद करते हैं। वो कौन वालिद? ये वही वालिद था जो अपने बच्चों के लिए मेहनत मशक्क़त करके उनकी फ्यूचर के बारे में सोचता था। लेकिन जब वो वालिद का इंतकाल हो गया, दफन करके आए, दो चार दिन हो गए, फिर ये अपने काम में मसरूफ बच्चे, उन इस बात की तौफीक नहीं होती कि वालिदैन के लिए दुआ करें। जिस वालिद को दफन करके आए हैं उसको उसके लिए दुआ करने की तौफीक नहीं होती, बहुत वक्त नहीं मिलता उन लोगों को। ये इंसान की मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हर किसी की हालत इसी है, हर कोई इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके अंदर एक हकीकत है, वो है मौत। मौत जैसे कि आप लोगों के सामने सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 की तिलावत की गई, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चार बातों का जिक्र किया है, चार बातें बताएं। पहली बात, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को, जिस किसी में जान है उसको मरना ही है, हर इंसान को मरना है। एक मौत, एक वक्त आएगा जब वो मरेगा, हर चीज की दवा है लेकिन मौत की दवा नहीं है, मौत की दवाई नहीं है। जब इंसान की मौत आती है, उसके घर वाले, उसकी औलाद, उसकी बीवी, उसके भाई बहन, उसके वालिदैन, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त अहबाब, उसके चाहने वाले, उसका अहदा मनसब, उसका माल और दौलत, कोई नहीं बचा सकता उस मौत से। पूरा माल भी अगर दे देंगे, मौत से नहीं बच सकता। सब पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी अगर उसे बचाना चाहे, नहीं बचा सकते, मौत आकर ही रहेगी, आना ही है मौत को। जब मौत आना है, मौत एक ऐसी चीज है जो अल्लाह को ना मानने वाले जो लोग हैं उनको भी मानना है कि मौत आएगी, वो भी मानते हैं। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, मुसलमान के अलावा के लोग, वो लोग भी मानते हैं कि मौत आनी है। जब हमें मालूम है कि मौत आनी है, तो हम क्या तैयारी किए हैं उसके बाद की जिंदगी के लिए? मौत के बाद की जिंदगी के लिए क्या तैयारी हम किए हैं? हमारे पास क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़याम आयत 36 में कहा, अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, क्या इंसान गुमान करता है कि उसे इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? क्या इंसान ये सोचता है, ये गुमान करता है क्या उसे इसी तरह तर्क कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नबा आयत 29 में कहा, वो कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, वो कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज को लिख कर शुमार कर रखा है, लिख कर शुमार कर रखा है हर चीज को, वो कुल्ल शैइन, हमारी नेकियां, हमारे गुनाहें, हमारी बदकारियां, हमारे बदअमल जितने भी हैं, हमारे नेक अमल गुनाह तमाम की तमाम चीजों को लिख कर रखा गया है, हर चीज लिख कर रखी गई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पहली चीज इस आयत करीमा में कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, यानी हर नफ्स को मौत आनी ही है। दूसरी चीज, वइन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुमको बरोज़ क़ियामत तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इंसान क्या करता था दुनिया में, दिन में क्या करता था, रात में क्या करता था, सुबह में क्या करता था, शाम में क्या करता था, किसके साथ उसके कैसे मामले थे, लेन देन में कैसा था, तिजारत में कैसा, तमाम चीजों के बारे में हमारे नाम अमाल में लिख दिया गया है। बरोज़ क़यामत हमारे नाम अमाल के बारे में पूरा पूरा वजाहत के साथ दे दिया जाएगा। अल्लाह ने क्या कहा सूरह हक्का में नेक लोगों के बारे में, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जिसके नामे अमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिए जाएंगे, वो कहेगा लो मेरा नामे अमाल पढ़ो,
लो मेरे नाम आमाल पढ़ लो, इसके नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिए जाएंगे। वो कहेगा लो मेरे नाम आमाल पढ़ लो, तो कहेगा इन्नी ज़लमतु अन्नी मुलाकी हिसाबी, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे यकीन था इस बात का। और जो गुनहगार होगा वो क्या कहेगा, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। और जिसके नाम अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिसके नाम अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो क्या कहेगा, ए काश मुझे मेरे नाम अमल ना दिया जाता, ए काश मुझे मेरे नाम अमल ना दिए जाते, वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं जानता ही ना कि मेरा हिसाब क्या है, और मैं जानता ही ना कि मेरा हिसाब क्या है। एक नेक आदमी की, एक नेक आदमी का नाम अमाल और एक बुरे आदमी का नाम अमाल, अल्लाह ने सूरह हक्का में वजाहत के साथ बयान कर दिया। फिर उसके बाद जिसका नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलेंगे उसके लिए जन्नत की नियामतें हैं, और जिसके नाम अमाल बाएं हाथ में मिलेंगे उसके लिए अजाब ही अजाब है। सूरह हक्का की तिलावत करें। दूसरी चीज जो हो गई नाम अमाल बदला। तीसरी चीज जो असल उनवान है, तीसरी चीज इंसान दुनिया में किसको किसको कामयाब समझता है, क्या वो कामयाब है जिसके पास बहुत ज्यादा माल हो, क्या वो कामयाब है जिसके पास दो से चार गाड़ियां हो, क्या वो कामयाब है जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, क्या वो कामयाब है जिसके बड़ी बड़ी कंपनियां हो, क्या वो कामयाब है जिसके खानदान बड़ा हो, क्या वो कामयाब है जिसका नाम हो शहर में, जिसका ओहदा मनसब हो, क्या वो कामयाब है जिसके पास ढेर सारा माल हो, क्या वो कामयाब है जिसे हर आदमी पहचानने वाला हो, कौन कामयाब है? एक सवाल है, कामयाब कौन है? कामयाब अब देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कामयाब कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा रब है, उसके नजदीक कामयाब कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिस शख्स को आग से हटा लिया गया, आग से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन ये कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको, जिसने कब्र के सवालात के जवाब दिए वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको कब्र के अजाब से बचा लिया गया वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसके नाम अमाल दाहिने हाथ में मिले वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको कब्र के सांप बिच्छू से बचा लिया गया वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको अजाब से बचा लिया गया वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको जहन्नम की आग से बचा ले गए वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको रब के अर्श का साया हासिल हुआ वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको हौज़े कौसर का पानी नसीब हुआ वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको जन्नत की नियामतें से नवाजा गया वो कामयाब है। कामयाब कौन है? जिसको रब ने जिसने रब को राजी किया वो कामयाब है। असल कामयाबी यहां है। दुनिया में अहदा मनसब माल करवाने से इंसान कामयाब नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हामान भी कामयाब होता, फिरौन भी कामयाब होता, लेकिन उन लोगों को कामयाब नहीं कहा गया। अल्लाह ने किसे कामयाब कहा? अल्लाह ने उन लोगों को कामयाब कहा जिन लोगों को जहन्नम की आग से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो लोग कामयाब है। दर हकीकत यही लोग कामयाब है। अब ये सोचे कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं, सोचिए, एक सवाल है, क्या हम कामयाब हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी को क्या ऐसा गुजारा है कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करें? क्या हमारे नाम अमाल ऐसे हैं कि बरोज़ क़यामत हमारा हमारी किताब जो है नाम अमाल की हमें दाहिने हाथ मिल सके? क्या हमारे निकाह ऐसे हैं? क्या हमारे नाम अमाल, क्या हमारी निकियां इतनी है कि हमें कब्र के अजाब से बचा लिया जाए? हमें
हमसे रब राजी हो जाए, क्या हमारी हालत ऐसी है? क्या हमने इतनी जिंदगी जो गुजारी है, किसी ने 20 साल 25 30 40 साल 50 साल 60 साल जितनी भी साल भी जो जिंदगी गुजारी है, क्या हमने अपने रब को राजी किया? सवाल है जो आप मुझे देने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने आप को दे लेंगे। हम लोग आज किसके पीछे हैं? दुनिया के पीछे हैं, जो कि खत्म होने वाली है। हमें मालूम है कि दुनिया को छोड़कर एक दिन जाना है। हर आदमी ये सोचता है, मेरी बीवी बच्चे घर वाले तमाम लोगों के बारे में सोचता है, लेकिन अपने आखिर की फिक्र नहीं करता, अपनी कामयाबी की फिक्र नहीं करता। हमेशा तिजारत बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सुबह हुई तिजारत के लिए जाता है, शाम हुई आकर हिसाब करता है, लेकिन दिन भर नमाजों का हिसाब कौन करे? तिजारत में जो घपला हुआ है, जो झूठ के साथ तिजारत किए हैं, उसके बारे में कौन सोचे? दिन भर जो गुनाह हुए हैं उसके बारे में कौन सोचे? दिन भर जो नेकियां जाए हो गई हैं उसके बारे में कौन सोचे? आज जिस दुनिया के पीछे हम चल रहे हैं, जिस दुनिया को हम चाहने वाले बने हैं, उनके बारे में अल्लाह क्या कहता है? हमारा रब जिसने हमें पैदा किया, हमारा रब जो हमें रिज़्क देता है, जिसकी नेमतों से हम फायदा उठाते हैं, वो क्या कहता है इस दुनिया के बारे में जिसके पीछे हम लोग पड़े हैं? हर छोटा बड़ा आदमी, हर इल्म वाला और ना इल्म वाला आदमी, हर आलिम और जाहिल, हर आदमी इस चीज के पीछे पड़ा हुआ है। दुनिया दुनिया के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? हुमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये जो दुनिया की जो जिंदगी है, ये जो दुनिया की जो जिंदगी है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, रात में आदमी सोचता है कि सुबह उठकर मुझे इस जगह जाना है, लेकिन ये नहीं सोचता कि सुबह उठकर पहले मुझे फजर की दो रकात फर्ज नमाज पढ़नी है, ये नहीं सोचता। लेकिन फल आदमी को मिलना है, दुकान पे इतने बजे जाना है, ऑफिस को इतने बजे जाना है, घर से इतने बजे निकलना है, इस टाइम पर मुझे वहां तक पहुंचना है, ये सोचता है। क्या कभी हमने फजर की नमाज के लिए उठना है ये सोचकर सोया है रात में? सोचे इसके बारे में? कौन सोचेगा इसके बारे में? अब भी वक्त है। आज जिस दुनिया के पीछे हम लोग पीछे पड़े हुए, अल्लाह ने क्या कहा उसके बारे में? वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दुनिया की जो जिंदगी है, ये जो दुनिया की जो जिंदगी है, ये तो सिर्फ खेल खेल का सामान है, धोखे का सामान है, ये तो धोखे का सामान है। सिर्फ दुनिया धोखा है, सिर्फ धोखे वाली चीज है। अगर दुनिया के पीछे चलेंगे, दुनिया खत्म होगी और हम भी खत्म होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा हमें पैदा करेगा, उस वक्त दुनिया के बारे में पूछा जाएगा, क्या करके आए दुनिया में, क्या हमारे नामे आमाल है, क्या हमारी निकियां है, क्या हम कामयाब है, क्या हमने रब को राजी कर दिया? सोचे इसके बारे में। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे कंधे को पकड़ कर कहा, कुन फि दुनिया का अन्नक गरीब अव आबिरु सबीलिन। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या कोई राह चलता मुसाफिर। दुनिया में अजनबी की तरह रहो, दुनिया हमारे लिए नहीं है, दुनिया में हम रहने के लिए नहीं आए। एक मुसाफिर जो होता है, जो जरूरत की जो चीजें उसे जरूरत पड़ती है सफर में, वो लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। इसी तरह दुनिया में भी इतना माल कमाए या इतनी जरूरत के तहत दुनिया की जरूरत की चीजों को इस्तेमाल करें जितनी आपकी दुनिया चल सके, आखिरत बर्बाद होने वाला माल ना कमाएं, खसारे वाला माल ना कमाएं। अगर अल्लाह ने माल अता किया है, खर्च करें उस पर, नीकियों में खर्च करें, रब को राजी करने में खर्च करें। सहाबा इकराम के पास बहुत ज्यादा माल था, लेकिन वो अल्लाह की राह में खर्च करते थे। आज हमारा मामला क्या है? आज हमारा मामला क्या है? आज दुनिया को हम लोगों ने असल समझ कर रखा है। माल अल्लाह के राह में खर्च करने का दिल नहीं होता। जब कोई फकीर मिस्किन कोई भी अगर जरूरतमंद आदमी आकर जरूरत को बयान करता है, तो हमारा हाथ हमारे जेबों में नहीं जाता,
सिर्फ अल्फाज का घुमाव करके हम निकल जाते हैं वहां पर, जुबान इस्तेमाल करके निकल जाते हैं वहां पर, लेकिन ऐसी जगह अपने माल को खर्च करते हैं जहां पर निकिया नहीं मिलती, हराम कामों में, गुटखा तंबाकू में माल को खर्च करते हैं, थिएटरों में जाने के लिए माल को खर्च करते हैं, बाजारों में इधर उधर अय्याशी करने के लिए माल को खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए या अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते। दिन में एक बार आदमी, दिन भर एक आदमी दिन में अगर चार या पांच अगर सिगरेट इस्तेमाल करता है तो कितनी कीमत होगी उसकी, शायद के 40-50 रुपए इसी तरह चले जाएंगे, शायद कीमत मालूम नहीं है, चलो हो सकते इतना ही अगर चले जाए, अगर वो 50 रुपए समझ ले चले जाते हैं, उस 50 रुपए में अगर किसी गरीब की अगर मदद करता तो निकाह मिलती है उसको, अगर सदका करता तो निकाह मिलती है उसको। सोचिए इसके बारे में, अभी वक्त है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरम सामईन, आप लोगों के सामने सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 की तिलावत की गई और उसी के ऊपर गुफ्तगू की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चार बातों का तज़किरा किया है। पहली बात मौत, हर नफ्स को मरना है, फिर क़ियामत के दिन, दूसरी बात क़ियामत के दिन हमारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तीसरी बात कामयाब वो आदमी है जिसको आग से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये कामयाब आदमी है, चौथी चीज़ दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया हमारे नहीं है। जो आदमी सिर्फ ये सोचता है कि दुनिया में मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा सा घर बनाना है, अच्छा सा बिजनेस करना है, अच्छे से गाड़ियाँ होनी चाहिए, जब मैं घर से बाहर निकलूँ दो चार नौकर होने चाहिए, अगर ये सोचना है, यानी ऐश की जिंदगी अगर गुजारना चाहता है दुनिया में, इस हदीस को सुन ले, इस हदीस को सुन ले, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2956, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2956, इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिनु जन्नतुल काफिर, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनु जन्नतुल काफिर, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, हम कहाँ हैं, मोमिन कौन है और मोमिन के लिए क्या कहा जा रहा है, दुनिया ये जो दुनिया है जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, दर हकीकत ये हम मोमिनों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे रसूल ने कहा कि मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। अगर आप किसी को देखते हैं काफिर को, बड़ी कंपनियां हैं उसकी, बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी हैं, तो ये ना सोचे कि अल्लाह ने उस पर बहुत ज्यादा नियामतें अता किए हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की बात करने वाले हैं, हमें कुछ नहीं दिए, ये ना सोचे, ये ना सोचे, अल्लाह ने हमें बतौर आजमाइश इस दुनिया में भेजा है, हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत रखी है, जन्नत की नियामत इंसान का जहन सोच नहीं सकता कि कैसी नियामतें होंगी, क्या क्या अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, सोच नहीं सकता उसका जहन, दुनिया में कैदी की तरह जिंदगी गुजारें, कैदी की तरह दुनिया को हासिल करने की कोशिश ना करें, अहदा मनसब माल 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 माल, हराम हलाल की तमीज के बगैर माल माल कमाना, धोखेबाजी करके माल कमाना, छोड़ दें उसको, दुनिया में हम रहने के लिए नहीं आए, मौत आकर मरे या किसी की मारने से मरे, मौत तो आनी ही है और किसी के मारने से इंसान मर नहीं सकता, उस वक्त जब तक कि इंसान की तकदीर में मौत ना लिख दी जाए, जब तकदीर में मौत लिखी है उसी वक्त मौत आएगी, फिर दुनिया वाले मिलकर भी अगर किसी का नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं कर सकते, इसीलिए जब तक दुनिया में है आखिरत को तरजीह दें, आखिरत के लिए रब को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारें और जन्नत ना बनाएं दुनिया को, दुनिया को जन्नत ना बनाएं,
जाबिर रजी अल्लाह कहते हैं हदीस नंबर सही मुस्लिम हदीस नंबर 2957, जाबिर रजी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे बकरी के बच्चे के पास से हुआ जो मुर्दा था, जिसके कान छोटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा, कौन है जो इसे एक दिरहम में खरीदना पसंद करता है? तो साहबा ने क्या कहा? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम इसे बग़ैर कीमत के यानी फ्री लेना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या कहा, ये जो तुम्हारे नज़दीक जो बकरी का जो मुर्दा जो बच्चा है जिसके कान छोटे हैं, इसकी अहमियत कुछ नहीं है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस दुनिया की इससे भी ज्यादा अहमियत नहीं है, कुछ अहमियत नहीं है। जिस तरह ये बकरी का बच्चा तुम्हारे नजदीक हकीर है, ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है, कुछ अहमियत नहीं दुनिया की, जिसकी अहमियत नहीं हम आज उसके पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, कैसी जिंदगी गुजारा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लम? अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए हुए थे, तिर्मिज़ी की हदीस, चटाई पर सोए हुए थे। जब उठे तो देखा कि एक पहलू पर चटाई की निशानात थे, चटाई की निशानात। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछते हैं, अरे अल्लाह के रसूल सल्लम, अगर आप कहें या अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके लिए बेहतर एक फर्श, बेहतर एक बिस्तर बना कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मुझे दुनिया से क्या मतलब, दुनिया से क्या ताल्लुक है मुझे, मैं तो गोया कि दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए दरख्त के नीचे आराम करता हूँ फिर चलना शुरू कर देता हूँ। इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ, जब थकान होती है तो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करता हूँ, फिर उस दरख्त को उसी जगह पर छोड़कर चल जाता हूँ। आज हमने क्या कहा, आज हमने क्या किया, हम लोगों ने आज दुनिया को असल समझ कर बैठा है, बैठ गए, समझते हैं कि दुनिया ही असल है, दुनिया में हम गोया कि दुनिया में हम रहने के लिए आए हैं, मरना नहीं है, ये समझते हैं। याद रखिए, मरना तो ज़रूर है, ज़रूर मरना है, मुसलमान हो या मुसलमान के अलावा के लोग हो, अल्लाह को मानने वाले हो या अल्लाह को ना मानने वाले लोग हो, मौत सबको आएगी, सब खत्म हो जाएंगे। आज जो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिन्हें हम लोगों ने बनाया है, ये इमारतें ख़त्म हो जाएंगी, गिर जाएंगी। उस वक्त से पहले अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। कामयाबी दुनिया में नहीं है, जो जन्नत से, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जिसको जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, वो असल कामयाब है। कामयाब अल्लाह के नज़दीक वाली कामयाबी हासिल करें, रब को राज़ी करें, दुनिया के पीछे ना चलें। आज मैं हूँ कल नहीं। इनमें से इतने जो लोग हैं जुमा में, नेक्स्ट अगले जुमा में, नेक्स्ट आने वाले जुमा में इतने लोग होंगे या नहीं मालूम नहीं, कौन उसके दरमियान इंतकाल कर जाएगा पता नहीं। याद रखिए, जिंदगी जिंदगी एक मोमबत्ती की तरह है, एक मोमबत्ती की तरह है, कब हवा आए कब बुझ जाए मालूम नहीं पड़ता, कब हवा आ जाए कब बुझ जाए मालूम नहीं पड़ता, इसी तरह है। कब मौत आएगी, मौत का फरिश्ता ऐसा नहीं कहता कि मैं आ रहा हूं तैयार रहो, ऐसा नहीं है। कब मौत आएगी मालूम नहीं पड़ता, हमेशा तैयार रहें। इतने तो अमाल कर लें कि रब राजी हो जाए, इतने तो निकियां कर लें कि रब राजी हो जाए, इतने तो निकियां करें कि रब की जन्नत मिल जाए, इतने तो निकियां करें कि कब्र के अजाब से बच जाए, इतने तो निकियां करें कि कब्र के सवाल का जवाब दे सके, इतने तो निकियां करें कि हौज़े कौसर का पानी नसीब हो, इतने तो निकियां हासिल करें कि रब के अर्श का साया नसीब हो, इतने तो निकियां बना लें कि रब खुश हो जाए, रब खुश होकर जन्नत दे दें, इतनी निकियां बना लें। अब सोचें कितनी निकियां चाहिए, नमाज पढ़ें, अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगें,
निकिया करें, गुनाहों को छोड़ दे, रब को राजी करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करें, अल्लाह के रसूल की ताअत करें, रब के अहकामात की पैरवी करते हुए जिंदगी गुजारें, ये असल कामयाबी है। कामयाबी असल रब को राजी करने में है। कामयाब बने, कामयाब रब को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारें, दुनिया के लिए जिंदगी ना गुजारें, रब को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दें और गुनाह करने से बचाएं, दुनिया से मोहब्बत करने से अल्लाह हमें बचाएं, अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र करने की अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें निकाह करने की तौफीक दे, गुनाह करने से बचाए, हराम कामों से बचाए, हराम तिजारत से अल्लाह हमें महफूज रखें, सूद जैसी गंदगी से अल्लाह हमें महफूज रखें, शिर्क जैसी गंदगी से अल्लाह हमारे दामन को महफूज रखें।